तो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा रुचि सोया का। इस समय करंट प्राइस है 4.75 रुपये। 10 जुलाई 2019 को ये वीडियो बन रहा है। 15 पैसा अप है, 3.26% अप है। वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है और प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड मार्च 2019 और मार्च 2018 से कंपेयर करना है आपको, ठीक है। इसकी जो इनकम है, इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है, इनकम पहले से इंक्रीज हुई है। एक्सपेंसेस घटे हैं, जो खर्चे हैं वो घटे हैं। प्रॉफिट लॉस में कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में गई है, ठीक है। 76 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसको, ठीक है। और एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट लॉस में 76.72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 6000 से अधिक करोड़ के लॉस में थी, उसे 76 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। करंट टैक्स निल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस आफ्टर द टैक्स बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में भी। पहले ये 55,573 करोड़ के लॉस में थी, अब 76 करोड़ के प्रॉफिट में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है इसका। प्रॉफिट लॉस का पीरियड इसमें भी प्रॉफिट में है, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इसका जो बेसिक ईपीएस है, पहले -170 था, जो बेसिक ईपीएस था -170 173 था, जो कि प्लस में आके 2.35 हो गया है। यानी कि ईपीएस में पॉजिटिव होना, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव होना, मतलब ये बहुत ही इसके लिए पॉजिटिव है। अगर इसका जो फंड का इंतजाम चल रहा है, फंड का इंतजाम हो जाता है, ये तो ये 2 डिजिट में आ जाएगा आपका। मींस सिंगल डिजिट में जो स्टॉक है 4-5 रुपये चल रहा है, 4-5 के बीच में, ये डबल डिजिट में आ जाएगा, मींस +10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ इम्पोज्ड एंड इंडिजीनियस रॉ मटेरियल 00। डिविडेंड परसेंट की बात करें तो फिलहाल कोई डिविडेंड नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है तो डिविडेंड कहाँ से देगी, ठीक है। तो जो इसका ओवरऑल आपको कंक्लूजन में बता दूं, प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है, ठीक है। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये स्टॉक है ये रन करता है न्यूज़ पे, क्योंकि ये पेन स्टॉक है, तो जैसे अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो उस पर ये चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए चैनल को ज्वाइन करना है, क्यों आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। आप देखिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो वाले कॉलम में आ गए हैं। फाइनेंशियल रेशियो कंपेयर करेंगे 2018 मार्च के फाइनेंशियल रेशियो और 2019 के फाइनेंशियल रेशियो, जो कि अभी हाल में ही आया है। ईपीएस पॉजिटिव है, डाइल्यूशन ईपीएस भी पॉजिटिव है, कैश ईपीएस ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कैश ईपीएस, इसमें कैश फ्लो का ईपीएस, कैश ईपीएस पॉजिटिव 6.58 है, जो कि नेगेटिव -166.41 था वो पॉजिटिव हो गया है। इसका बुक वैल्यू पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, जो बुक वैल्यू है पहले से इम्प्रूव हुआ है। बुक वैल्यू इंक्लूडिंग रिवल रिजर्व शेयर का, वो भी पहले से इम्प्रूव हुआ है, जो कि -151 तक चला गया था, वो भी इम्प्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो शेयर का है वो बढ़ा है, पहले 367 करोड़ का था, ठीक है, और अब 390 लगभग करोड़ है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, -170.71 से +2.35, यानी कि नेट प्रॉफिट कमाल का बढ़ा है, मीन्स कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। नेक्स्ट PBDIT शेयर 6.80 पॉजिटिव है, PBDIT पर शेयर 2.56 पॉजिटिव है, PBDIT में 6.80 पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में PBDIT मार्जिन 1.74 है और PBIT मार्जिन 0.65 है। ये जो आप कॉलम देख सकते हैं ना, ये अभी का कॉलम है, ये 2019 का कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है ये 2018 का कॉलम है। ध्यान से देखिएगा, इससे आपको एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल, टेक्निकल और न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पे एनालिसिस मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करके भी अर्न कर सकते हैं एक ह्यूज अमाउंट। इससे आपको लर्निंग फेज में आप जाएंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट इसका पॉजिटिव है 0.96, ठीक है। टोटल डेप्ट -1.63, ठीक है। और एसेट टर्नओवर रेशियो है ये भी बढ़ा है इसका, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो इसका 160.38 है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो की बात कर लेते हैं, लिक्विडिटी रेशियो करंट रेशियो 0.20 है, ठीक है। क्विक रेशियो 1.0 है। डिविडेंड पेइंग पे आउट और पे रेशियो, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखिए। फिर कवरेज रेशियो की बात कर लेते हैं, कवरेज रेशियो भी निल है। वैल्यूएशन रेशियो, ठीक है,
सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो की बात कर लेते हैं, 6,990 से लेके 7,082, ठीक है। इसका ईवी पर नेट सेल्स 0.56, ठीक है, और अर्निंग आइल्ड 3.35, ये भी पॉजिटिव है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपको बता दें फाइनेंशियल रेशियो में स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस कॉलम में भी बता सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस कॉलम में स्टॉक पॉजिटिव मूव्स में है, ठीक है। अब पीर कम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें देखिए प्रमोटर होल्डिंग 28% है, ठीक है, जिसमें उनके 27% लगभग शेयर प्लेस्ड हैं, मतलब गिरवी रखे हुए हैं, कोई भी FII नहीं है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 20% डोमेस्टिक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक 0.08% बैंक्स ने भी पैसा लगाया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। MF ने 0.01% है। अदर DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII अप्रोक्सीमेटली लगभग म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, 20.48% है। और अदर्स यानी कि पब्लिक होल्डिंग्स 51% से ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्जिन इन्फॉर्मेशन की बता दें, रुचि सोया महाराष्ट्र की कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। आप इसके लिए ruchisoya.com पे जाके भी इसका फाइनेंशियल रेशियो पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी सब कुछ गिवन है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज और रिसर्च कॉलम में आ गए हैं, जिसमें पढ़ सकते हैं। पहला न्यूज है 9 जुलाई का, जिसमें ये लिखा है रुचि सोया का रेजुलेशन में भी डिलेड एज NCLT वांट टू स्टडी इम्पैक्ट ऑन द रिवाइज NLCAT ऑर्डर्ड ऑन। कंटिन्यू हो रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी बना लिया है पूरे का, वहाँ से आपको पूरा डिस्प्ले होगा, आप इजिली पढ़ पाएंगे क्या क्या न्यूज़ है 9 जुलाई 2019 का। सेकेंड आप देख सकते हैं, इससे पहले जो नेक्स्ट न्यूज आई थी 10 मई 2019 को आई थी कि पतंजलि बिड कर रही है रुचि सोया को NCLT रिजर्व ऑर्डर एंड सीकिंग फंडिंग डिटेल अगेन। उससे पहले फिर न्यूज था 4 मई का, जिसमें कि सेंसेक्स निफ्टी कंसोलिडेट बट दीज टॉप 10 स्मॉल कैप रैली 8 से 33% दिस वीक। उसके पहले न्यूज आया था 2 मई को, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि जो रुचि सोया के लेंडर्स टू टेक 52% हेयर कट टू पतंजलि प्लांस टू ग्रीन सिग्नल। इसमें ग्रीन सिग्नल मिल गया था, इसीलिए स्टॉक में मूव आया था और बहुत ही अच्छी रैली दिखाई थी स्टॉक ने इस न्यूज के ऊपर, ठीक है। बाद में फिर कंसोलिडेट होकर फिर नीचे आ गया, लेकिन इसी न्यूज के ऊपर स्टॉक ने रैली दिखाई थी, जो आपको एक बड़ी सी लंबी लाइन दिख रही है, 7, 7.5 रुपये, 8 रुपये तक गया था, 9 रुपये तक गया था आई थिंक, तो वो रैली इसी न्यूज के ऊपर आई थी, ठीक है। जो लैंडर्स ने अप्रूव कर दिया था कि 4,325 करोड़ की बिड पे रुचि सोया को जो इम्प्रूव कर दिया था, लैंडर्स ने अप्रूवल दे दिया था पतंजलि को, उसी पे न्यूज़ आई थी। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि यदि जो पतंजलि के बाबा जी हैं ये फंड का जो इंतजाम कर रहे हैं, यदि SBI और बाकी जो बैंक से फंड देने के लिए कह देती है, तो स्टॉक 2 डिजिट में डेफिनेटली जा सकता है, और फिर इस पे केवल अपर सर्किट लगेंगे, आपको एक भी स्टॉक मिलने वाला नहीं है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए, आपको वेट करना है। अभी रुचि सोया इनसॉल्वेंसी लेंडर्स टू वोट टू पतंजलि 4,350 करोड़ ऑफर नेक्स्ट वीक, ये 26 अप्रैल का न्यूज है, ठीक है। मैंने आपको सारे न्यूज बता दिए हैं 2019 के अप्रोक्सीमेटली। एक न्यूज और बता देता हूं कि बाबा रामदेव पतंजलि रेजेस बिड, तो यही जो रेज किए थे बिड वैल्यू उसी का है। उसके बाद रुचि सोया Q3 का रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 6.29 करोड़, तो ठीक है, मींस इनका Q3 रिजल्ट भी पॉजिटिव आया था, ठीक है, मींस इनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, मींस बिजनेस अच्छा चल रहा है, पहले से इम्प्रूवमेंट है। अब इसकी बात कर लेते हैं रुचि सोया की रिजोल्यूशन की, ठीक है। तो रुचि सोया रिजोल्यूशन में डिलेड एज NCLT वॉन्ट टू स्टडी द इम्पैक्ट एंड रिवाइज NCLT ऑर्डर ऑन SRST। जो इनका ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ऑब्जर्व्ड दैट NCLT ऑर्डर हैज चेंज द एंटायर आउटकम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर एंड लाइकली अ फॉर्मूला विथ अ क्लियर कट डायरेक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोसीड शुड बी कैरिड आउट। मतलब जो NCLT का रेजोल्यूशन है, वो NCLT का जो रेजोल्यूशन है, वो पूरा इम्पैक्ट को रेड करना चाहता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कोई वही होगा, देखो यहाँ पे मुंबई बैंकरप्सी ट्रिब्यूनल NCLT 9 जुलाई डायरेक्टेड द रेजिडेंशियल प्रोफेशनल ऑफ रुचि सोया इज फाइंड आउट द वेदर एपेलेंट ट्रिब्यूनल NCLT लास्ट वीक ऑर्डर ऑफ एसर स्टील एक्रोमिथल मैटर वुड मे हैव इम्पैक्ट इन देयर केस। NCLT की जो बेंच है VP सिंह और रवि कुमार की,
ठीक है, ये वांटेड टू नो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर पासेस लास्ट वीक ऑन वन एस्लोर मित्तल मैटर विच ऑर्डर ऑलमोस्ट इक्वली ट्रीटेड एंड ऑपरेशनल एंड विल द फाइनेंशियल क्रेडिट लीडिंग टू द मच हायर पे आउट द ऑपरेटिंग क्रेडिट और फोर्सिंग मच हाई हेयर कट ऑन बैंक्स. जो बैंक्स पे बहुत ज़्यादा हेयर कट मांग रहे हैं उसी से रिलेटेड एनसीएलटी रेड करने के लिए बोल रहा है एनसीएलटी का. ठीक है, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि पतंजलि आफ्टर लूजिंग द बिड लेटर इंक्रीज द बिड ऑर्डर अराउंड 140. जब इन्होंने लूज कर दिया बिड को तो 140 करोड़ का बिड इन्होंने बढ़ाया. ठीक है, और बढ़ा के 4,350 करोड़ अलॉन्ग विद द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज 1700 करोड़. तो रुचि सोया ओन्स ओवर 9,345 करोड़ टू द फाइनेंशियल क्रेडिट लेड बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच हैज एक्सपोज टू 1800 करोड़ फॉलोड बाई द सेंट्रल बैंक 816 करोड़, PNB 473 करोड़ एंड सेंट चार्ज ऑफ 608 करोड़. ठीक है, ये न्यूज़ था. तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.